एक मिनट रुक रुक चलो ये कौन है? ये वो बॉस के घर पे चोरी हुई है ना? हाँ, जो हैरी ने की है। उसने अपने बॉस के घर में चोरी की, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। चोर लुच्चा लबाड़ नालायक कहीं का। बाह 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 बस बस बाह। वो एक्चुअली उस बेचारे पे ना इल्जाम लगा है। लेकिन इल्जाम तो लगा ना। ढोलू तू कुछ भी बोल, मैं तेरी बात नहीं मानने वाली हूँ। वो अगर मेरे सामने आया ना, तू उसकी बोची पकड़ के पहले तो 2-4 चमट लगाऊंगी, बाद में मैं खुद उसको पुलिस चौकी में छोड़ के आऊंगी। पुरखे में हूँ इसीलिए बच गया, वरना 2-3 पड़ जाती तुम्हारी मम्मी से। ये बहन जी कुछ बोली क्या? कौन है ये? फसा। हाँ विष्णु जी, बताइए ना ये है कौन? ये मेरे जो बॉस है ना, वो उनकी गेस्ट है, जीनत। अमान? नहीं नहीं नहीं, अरे अमान नहीं, सरनेम कभी तक सोचा ही नहीं है। अब नहीं, अमान नहीं, वो कुमारी, जीनत कुमारी, फाइनल जीनत कुमारी। अच्छा हाँ। लेकिन ये हमारे घर पे क्या कर रही है? फसा। यहाँ क्या, मैं ये भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ एक्चुअली वो ये वो बताइए ना विष्णु जी। अरे जीना तू खड़ी क्या है यहाँ पे? जा जा जल्दी पानी लेके आना, घर में मेहमान है। आप पानी की छत क्या लेंगी, चाय या कॉफी? चाय या कॉफी? ठीक है, रोज शरबत लूंगा। लूंगा? वाइला वाइला, तूने तो बोला ये जीनत कुमारी है, लेकिन ये तो कुमार है। नहीं नहीं नहीं, कुमारी नहीं, ये कुमार नहीं, मतलब कुमारी है ये। लूंगी बोली। Oh, no. नहीं नहीं, मैंने छुना विष्णु जी, इन्होंने बोला लूंगा। मैंने भी सुना है जीना। एक मिनट, एक्शन ही पे हैरी। हैरी हैरी आप, हैरी आप इंग्लिश में बोला। चलिए जल्दी से बताइए कि जीनत कुमारी आपको क्या चाहिए, बताइए। मैं रोज शरबत लूंगी। जो? हाँ बराबर है। जीना सुन लिया ना, अब जाना, जाके शरबत लेके आ जा। अच्छा आप बॉस के रिलेशन में? करेक्ट करेक्ट, वो हम, हाँ ये वो बॉस की स्पेशल गेस्ट है। बॉस की घर में एक जवान बेटी है ना, तो वहाँ पे इनको नहीं रख सकते, इसलिए मैं इन्हें यहाँ पे ले आया। तू समझ तो रही है ना? अच्छा तो मतलब ये बॉस का पड़ीका है? हाँ इनू पार्सल से। वो क्या है ना कि बेचारा बॉस अकेला है ना, अब लाइफ में कोई तो चाहिए कि नहीं। तू ठीक कह रहा है, तेरे पापा के संन्यास लेके हिमालय चले जाने के बाद में अकेले कैसे जीवन गुजार रही हूँ, ये मेरा मन जानता है। हर कोई थोड़ी संन्यासी हो जाता है। मैं तेरे बॉस का दर्द समझ सकती हूँ। जीनत कुमारी तुम यहाँ रह सकती हो। थैंक यू आंटी। मैं जीकू को समझा दूंगी। एक मिनट आओ। क्या क्या? जीनत कुमारी, मैं बॉस का पड़ी का हूँ, बॉस के स्पेशल गेस्ट। तेरी तेरी वजह से बकुल, अब मुझे हमेशा ये ऐसे बुरखे में घूमना पड़ेगा। अरे तो ठीक है ना? क्या ठीक है? अरे कम से कम तुझे यहाँ पे रहने को तो मिल रहा है। चुप रह। ठीक है ठीक है। अरे हाँ भजन की चौपड़ी लेके आऊंगी, टेंशन मत लो, आप पहुंच जाऊंगी टाइम से।
जो शरबत आवी गयो। जीनत कुमारी तुम पहले ये शरबत पी लो, फिर ढोलू के रूम में जाके आराम करना। हाँ बेचारा, मेरी वजह से ये भी फंस गया। किसी ने सही कहा है कि जब तक बीवी संग है जिंदगी जंग है, और फिर मेरी जंग तो दोहरी हो जाती है, एक गांव वाले की वजह से और दूसरी शहर वाले की वजह से। एक व्रत कर करके मारती है और दूसरी प्यार कर करके। आपको तो पता ही है कि दोनों के बीच में कैसी हो रही है मेरी घिसाई। बहुत प्रॉब्लम छे भाई। क्या कहा इंस्पेक्टर साहब, हैरी घर से भाग गया? नहीं, एक मिनट, आप अपना ये झिंग झिंग झिकाट बंद कीजिए, मेरी बात सुनिए। कुछ भी कीजिए, जमीन आसमान एक कर दीजिए, लेकिन इस हैरी के बच्चे को ढूंढ के निकालिए, छोड़ूंगा नहीं उसको मैं। हाँ पापा, पापा ये आप पुलिस रिपोर्ट वापस लीजिए। देखो शीना, तुम इस हैरी के बच्चे को बचाओ मत। तुम नहीं जानती हो उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बांधा था, बल्कि बकुल को भी अपने प्यार में बांध के रखा है। What? मतलब कि उसने वो अपने दोस्ती के प्यार में बांधा हुआ है। तुम बकुल को भी समझाओ कि हैरी से जरा दूर रहे। कहाँ है बकुल? पापा वो उसकी मामा ना सीढ़ी से गिर गई थी, उनके पैर में चोट लगी, उन्हीं के पास होगा। आप भी जाके उसकी माँ को मिलाइए ना प्लीज। गुड आइडिया। बक्को, अरे क्या नाम है इसका, दगड़ो दगड़ो, गाड़ी निकाल, हमें बकुल की माँ को मिलने जाना है। बकुल साहब को पता चला कि आप उसकी माँ से मिलजुल रहे हैं तो? अबे ये गधे, मिलने जाना है मतलब हमें उसकी माँ को देखने जाना है, उनके पाँव में चोट लगी है। क्यों, आप डॉक्टर हैं? नहीं। फिर क्या देखोगे? देखने का काम तो डॉक्टर का होता है। अबे तुझे जितना काम बोला उतना कर, चल के गाड़ी निकाल, चल गाड़ी निकाल। अरे घर में कोई भी नहीं है, फिर तो ये परफेक्ट मौका है बकुल बेबी को घर पे बुलाने का। सुन, यहाँ पे गांव वाली घंटा बजा रही है और ये शहर वाली घंटी बजा रही है। हेलो, हाँ सीना, वो हैरी के केस का क्या हुआ? पापा ने कंप्लेंट वापस ले ली। डोंट वरी बेबी, वो तो दो दिन में सेटल हो जाएगा। लेकिन बेबी क्या मेरे केस का क्या? ये हथकड़ी वाली फैंटेसी वो तो एकदम फ्लॉप हो गई। पर बेबी डोंट यू वरी, मैंने एक और फैंटेसी सोची है हमारे लिए। ओह नो, एक और? शीना अब हमसे ना हो पाएगा। और अब रहने दो डार्लिंग, ये सब मुझे क्या रहने दो। बेबी तुम्हें याद है ना, तुम्हारे प्यार में मैंने हथकड़ी लगाई थी, और अगर तुम आज नहीं आए ना तो मैं फांसी भी लगा सकती हूँ। फांसी? फांसी लगा के भी कुछ नहीं होगा, तुम फांसी के बाद भी मेरे साथ यमराज यमराज खेलोगी। हाँ बेबी, यू गॉट मी राइट। अच्छा बेबी तुम जल्दी से घर पे आ जाओ, मैंने सारी तैयारियां करके रखी है, आई एम वेटिंग फॉर यू। अरे हेलो भाई, पाग ये सीना मुझे मरवा के रहेगी। अरे विष्णु जी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो सारे महावीर नगर के सामने हंसना बाकी है। तेरी माँ, तू पूरे महावीर नगर में अपने हास्य सम्मेलन चालू रख, मैं निकल रहा हूँ। भाग बकुल, भाग, अरे भाग।